शिक्षा मंत्री जी सबसे बड़े झूठे हैं। नमस्कार, हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आ चुके हैं, जहां पे इस शिक्षक दिवस के मौके पर 78 दिन से ये शिक्षक अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपने धरने पर बैठे हुए हैं। यहां पर ये सारे लोग हैं जो अपनी मांगों को पूरा कराने की कोशिश में हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला जानते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार है। कितने दिन हो? हम लोगों का आज 78वां दिन है। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए। उस रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग में 29 अप्रैल को जो जारी हुई थी, उस बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। घोटाले की बात कर रहे हैं तो किस तरह का घोटाला है ये? आरक्षण का घोटाला है। यहाँ पर ओबीसी और एससी के लगभग 20 दोनों मिलाकर के लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को चयन कर दिया गया है। दूसरी बात, जब शिक्षा मंत्री जी का आवास का घेराव हम लोगों ने किया, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 4 दिन में हम आप लोगों के मामले का निस्तारण कर देंगे, लेकिन आज 2 महीने ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी आज तक हम लोगों के मामले का निस्तारण करने के लिए कोई बात नहीं किए, झूठ बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जी सबसे बड़े झूठे हैं। शासन की तरफ से कोई आया मिलने आपसे? कोई नहीं आया है, सिर्फ जो भी आए जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। अपर मुख्य सचिव जी ने आश्वासन दिया था कि 7 दिन में आपका मामला निस्तारित कर दिया जाएगा, लेकिन 2 महीने से अधिक हो गए, जबकि उनको शासन द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उनको जो है आदेशित किया गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी घोटाला इतना बड़ा है कि ये उसको पचा नहीं पा रहे, ये उसको छुपा नहीं पा रहे और ये हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और ये उनके कैबिनेट में बैठे लोग, शिक्षा मंत्री जैसे बैठे लोग केवल मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और उनके लिए ये बहुत हानिकारक होगा। कल 6 सितंबर को हम लोगों का इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, ऐसा इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। क्या करने वाले हैं 6 तारीख को आप? 6 सितंबर को हम लोग जितने भी ओबीसी एससी समाज के जो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के संगठन है, हम सभी अभ्यर्थियों ने सबसे समर्थन मांगा है और सभी लोगों ने हमारा समर्थन दिया है। हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आज से ही इस इको गार्डन में हमारी भीड़ दिखनी शुरू हो जाएगी और कल के दिन लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का ही मुद्दा गूंजेगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं गूंजेगा, पूरे देश में ये मुद्दा गूंजेगा। 78 दिन हो चुके हैं, इनकी कोशिश लगातार इसी तरह से जारी है और यहाँ पे जो फीमेल है, क्योंकि 78 दिन से ये लोग यहीं पे हैं, धूप होती है बारिश होती है फिर भी ये यहीं पे अधिक रहते, क्योंकि इनके हौसले कोई भी हिला नहीं सका। चलिए महिलाओं से जानते हैं कि इन 78 दिनों में उन्होंने क्या क्या देखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रही हूँ कि इन 78 दिनों में जो हम लोगों ने झेला है वो सोच ही नहीं सकते, उनको अपने प्रशासन की पड़ी है। कल हम लोगों के मतलब मीटिंग के लिए बुलाया गया था और हम लोग बहुत खुश थे। कहाँ पे मीटिंग थी आपकी? हम लोगों के हजरतगंज में अपर मुख्य सचिव से मीटिंग थी। अच्छा। हाँ, हम लोग वहाँ मीटिंग के लिए गए थे और हम लोग बहुत खुश भी थे कि शायद आज शिक्षक दिवस है, इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि हम लोग भ्रम में हैं और वहाँ पर सिर्फ हम लोगों को डराने और धमकाने के लिए बुलाया गया था कि आप किसी भी तरह 6 तारीख का जो महा आंदोलन है वो खत्म कर दीजिए। मतलब शासन प्रशासन इस समय चाह रहे कि जो आंदोलन आप करने वाले हैं 6 तारीख को उसको निरस्त कर दीजिए। तो क्या कहना है इस पर? तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाह रहे हैं कि आप अब डराने और धमकाने का काम छोड़िए और आप अपनी सत्ता संभालिए, क्योंकि आपकी ये जो सत्ता है बस कुछ दिन की ही बची है। ओबीसी एससी का जो समाज है वो अब जाग चुका है और कल का जो ये ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है इससे सरकार और सत्ता दोनों हिल जाएगी। अच्छा, इतने दिनों से आप यहाँ पर, फैमिली में कौन कौन है, क्या जवाब देती है जब आपसे पूछा जाता है कि क्या हुआ? फैमिली मेरी ज्वाइंट फैमिली है और मैं छोटा सा बच्चा छोड़कर यहाँ पर बैठी हूँ धरने में और 78 दिन हो गए हैं। मेरा बच्चा रोज पूछता है मम्मा कब आओगी, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रह गई है, ये लड़ाई पूरे समाज की हो गई है। अगर आज हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो ये आगे हमारे साथ ऐसे ही करते जाएंगे। आज हमारा हक छीना, कल हमारे बच्चों का हक छीनेंगे, तो हम लोग शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि हम अपना हक छीनता हुआ नहीं देख सकते और हम अपना हक ले के रहेंगे। अब ये देना नहीं चाहते तो हम लोग छीन के लेंगे और इनको
इनको न्याय तो देना पड़ेगा, ये हम लोगों ने तय कर लिया है। इन ये हम लोगों को कल धमका रहे थे कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो हम किसने धमकाया वहाँ पे हम लोग गए थे तो प्रशासन हमको धमका रही थी कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप ये बताइए कि 78 दिन से जो मुसीबतें हमने झेली हैं, यहाँ एक टाइम हम लोग खाना खाकर रातें गुजारे हैं, भारी बारिश होती है तो हम लोग इसी पॉलीथीन के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारी भाई जो है वो रात में रहते हैं, वो लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, यहाँ पर मच्छर काटते हैं, वो नींद नहीं पूरी होती, बहुत से भाई बीमार हो चुके हैं, कुछ रैन बसेरे में रुके हैं, बहुत लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, कोई इतना सक्षम परिवार से नहीं है। अगर हम लोग इतने सक्षम होते तो यहाँ पर धरना ना दे रहे होते। आज 78 दिन से हम लोग यहाँ पर मुसीबतें झेल रहे हैं और सरकार को अपने प्रशासन की पड़ी है, उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से हमारी प्रशासन जो है वो परेशान हो रही है, उसको सोने का टाइम नहीं मिल रहा। आप ये बताइए योगी जी, आपके प्रशासन को सोने का टाइम नहीं मिल रहा, हम लोग जो यहाँ भूखे 78 दिन से बैठे हैं, मतलब प्रशासन की उनको चिंता है लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो उनको कीड़े मकौड़ों के समान लग रहे हैं, लेकिन ये कीड़े मकौड़े नहीं है, ये कल पता चल जाएगा सरकार को कि हम लोग अब उनकी जो दीवारें हैं ना वो हिला देंगे। कल इको गार्डन की जो दीवारें हैं ये ऊंची करवा लें आप, और जो इतनी भी प्रशासन इनके पास है, जितना भी इनके पास बल है, वो बल अपना यहाँ पर दिखा देंगे और हम कल अपना दिखाएंगे कि हम लोग कितने, यानी कि कल आप लोग महा आंदोलन करने वाले हैं। कल का हमारा महा आंदोलन जो है वो ऐतिहासिक होगा, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनको शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षा मंत्री जी की वजह से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो रही है। हम तो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें, अगर इस्तीफा नहीं दिलाएंगे तो इससे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा घाटा है और उनकी जो अभी आप क्या चाहती हैं, मतलब इस्तीफा चाहती हैं या ज्वाइनिंग चाहती हैं? जिसकी जो जगह है वो तो वक्त आने पर मिल ही जाएगा, आप जानती हैं इसमें अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं उनकी जहां जगह है। हम लोगों को जो धमकियां दी जा रही हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है आप हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन वक्त आने पर वही जेल किसी और के लिए होगी। और अभ्यर्थियों का गुस्सा बिल्कुल चरम पर है और इसी मुद्दे को लेकर इनका साथ देने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। सैयद उज़्मा परवीन है मेरा नाम। उज़्मा जी हमारे साथ हैं, बताइए आप इनका जो समर्थन करने आई हैं आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनका जो ये आंदोलन चल रहा है धरना, ये 78 डेज से चल रहा है, 78 दिन से चल रहा है, 78 दिन से यहाँ पर परेशान हालत में सारे शिक्षक बैठे हुए हैं अपनी भर्ती के लिए। 69,000 भर्ती जो इनसे वादा किया गया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया, और 27% इनका हक मारा गया है, 27% जो इनका हक था वो उन्हें नहीं मिला, और जिसको जिसका हकूक नहीं मिलेगा वो अपना हकूक मांगने के लिए आएगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब जो हकूक ये मांग रहे हैं तो ये गूंगी बहरी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए इस इको गार्डन में जो धरना रखा है। तो मुझे ये लगता है जो इको गार्डन की चार दीवारी है इसके अंदर कैद करके आप किसी को धरना देने की इजाज़त दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। आज धरना तो इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास में देना चाहिए था, लेकिन आपकी डंडे और आपकी लाठी और आपका प्रशासन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आतंकियों पर आपका कोई वो नहीं है, जोर नहीं है। जोर किस पर चलता है? हक मांगने वाले पर, अधिकार मांगने वाले पर, अपनी बात रखने वाले पर आपका जोर चलता है। जिस तरह से आपने सुना कि इनको धमकाया गया, तो इसी तरह से मुझे भी अभी धमकाया गया कि अगर आपने उन शिक्षकों का समर्थन किया जाकर, आपको तो भी प्रशासन ने धमकाया जी, हमको भी प्रशासन ने धमकाया कि अगर आपने इनका समर्थन किया तो आपके खिलाफ फिर से एक मुकदमा लिखेगा, जो कि आपके मुकदमे लिखे हुए हैं। और मुझे धमकी भी आई कि 6 महीने के लिए जेल में ऐसे ठूसेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपकी धमकियों से और गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, जो इनके हक है, जो 69,000 इनकी भर्तियाँ हैं वो उन्हें दी जाए, इनके हकूक इनको दिए जाए, और आप से अगर सत्ता नहीं संभाली जा रही है तो आप कष्ट करें, कुर्सी से नीचे उतर जाए। और सत्ता की बात कर रही हूँ उज़्मा जी, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि इसका असर उस चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब आपने 4 साल किसी के हक को पूरा नहीं किया, किसी के हकूक नहीं दिए, और आपने पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ा दिए, गैस के सिलेंडर के दाम कहाँ चले गए, आज घरेलू औरत अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती, खर्चा नहीं चला पा रही, जिन पैसों से वो अपने पॉकेट मनी सेव कर लेती, मतलब ये कहना चाहती कि महंगाई भी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, हर जगह के हालात बद से बदतर है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब चंगा है भाई, सब चंगा है। अरे आपकी नजर में चंगा है क्योंकि आपके पास दौलत भरी हुई है, आपके पास सब कुछ है। उनका तो कहना है कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी, आप पोस्टर देखिए उसमें तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं।
ये सबका साथ सबका विकास नहीं, अपना साथ और अपना विकास और अपने लोगों का विकास, इनकी ये मंशा है, इनकी और कोई मंशा नहीं है, इनकी और कोई मंशा नहीं। तो आपको जनता दिखा देगी, सारे लोग दिखा देंगे, ये जो बेरोजगार लोग बैठे हैं ना, इनकी आ बहुत वो होती है, इनकी मजलूम है, ये अपने अधिकार मांग रहे हैं, इन पर आपने जुल्म किया और इनकी आह आपको लगेगी और 2022 में आपसे सत्ता छीनेगी, ये वादा करती है उत्तर प्रदेश सरकार आपसे। जिस तरह से आपने जनता को खून के आंसू रुलाए, आपको भी खून के आंसू रोने पड़ेंगे और इनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं आगे भविष्य में जो अभी सरकार आए उसको भी चुनौती दे रहे हैं हम। अच्छा उजमा जी, जो कल पहले मेरी बात, उसको भी चुनौती दे रहे हैं कि अगर आगे चल के आप भी वोट ले लेंगे, आगे आगे जो सरकार आएगी वो भी वोट मांगेगी, वो भी इनसे बड़े मीठे मीठे वादे करेगी, तो मैं उससे भी कहना चाहती हूँ कि जो जनता की मान के रहा है, जो जनता के साथ सहयोग करके रहा है, उसी की सत्ता रही है। तो आज आने वाली सत्ता सुन ले और जो सत्ता इस वक्त मौजूद है वो भी सुन ले कि इनके अधिकार, लोगों के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार, ओबीसी के अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अच्छा कल ऐसा क्या ही आप लोग करने वाले, जो महा आंदोलन कह रहे हैं, तो ऐसा कल क्या करने वाले हैं कि इसका असर सरकार को तुरंत समझ में आए? ये वक्त बताएगा कि कल क्या होगा। और बड़े बड़े लोग इन लोगों का समर्थन करने आए, मैं तो एक छोटी सी बहुत मामूली सी एक्टिविस्ट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोगों का दर्द दिखाई देता है, हर एक का दर्द। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने ही समाज के लिए लड़ रही हूँ, मैं हर उस समाज के लिए लड़ रही हूँ जिस पर जुल्म हुआ है, जिसकी हक को छीना गया, जिनके अधिकारों को छीना गया। मैं उन सब के अधिकारों को लेकर मांग करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और विनती करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और योगी जी आपसे कि इनकी मांगों को पूरा करें, इन्हें घर जाने दें। छोटे छोटे बच्चे, ये अपने बच्चों को छोड़ के आए, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, ये लड़के जो आप देख रहे हैं पीछे बैठे हुए, ये आज 78 दिन से पड़े हुए हैं, ना इनके खाने का पता है, ना इनके पहनने का पता है, ना इनके चप्पलों का पता है। तो आप प्लीज़ इन पर रहम करें, इनकी मांगों को पूरा करें और इन्हें इनका अधिकार दें। शुक्रिया। तो ये कहना है उजमा जी का कि इनके अधिकारों से इनको वंचित ना किया जाए, क्योंकि गुस्सा बहुत जोरों पर है। और कल क्या करने वाले हैं इस महा आंदोलन में ये बताएंगे, ये कल ही, क्योंकि उसके पहले ये जवाब नहीं देना चाहते। तो अब वक्त है अभी भी शासन प्रशासन और सरकार के पास कि इनकी मांगों को पूरा कर सकते तो पूरा कर दीजिए। कैमरामैन सनी के साथ।